नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी को फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ ओप्पो R15 Pro डिवाइस के बारे में। इस डिवाइस की यूजर्स के लिए फाइनली गुड न्यूज निकल के आ गया है। इस डिवाइस में फाइनली एंड्रॉयड 10 एंड कलर ओएस 7 का जो स्टेबल अपडेट है ये रोल आउट करना शुरू कर चुका है कंपनी। तो फ्रेंड्स, ये जो अपडेट है आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर जो है बैच वाइज सारे यूजर्स को जो है मिलना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में इस अपडेट के बारे में आपको डिटेल्स बताएंगे। अपडेट वर्जन नंबर क्या है, अपडेट में आपको क्या क्या इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलने वाला है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए, लास्ट तक देखिए। एंड फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के पास एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एंड फ्रेंड्स, मेरे चैनल के ऊपर 10,000 रुपए की गिव अवे कॉन्टेस्ट चल रहा है, आपको अगर पार्टिसिपेट करना है ऊपर दिए गए आई बटन में क्लिक करके वीडियो जरूर चेक करें एंड गिव अवे में जरूर पार्टिसिपेट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ओप्पो की जो इस डिवाइस है ओप्पो R15 Pro है, काफी पॉपुलर डिवाइस है। इंडिया में जो इसका यूजर बेस काफी स्ट्रॉन्ग यूजर बेस है। सबसे पहले तो ये जो नया अपडेट आ रहा है, इसका अपडेट वर्जन नंबर मैं आपको बता देता हूँ, CPH1831EX_11.F.14 जो है इसका वर्जन नंबर है। तो फ्रेंड्स, अपडेट करने से पहले आप जो है जरूर चेक कर लेना। एंड फ्रेंड्स, अपडेट चेक करने के लिए डिवाइस की सेटिंग ऑप्शन जाके सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन में जाके आप जरूर चेक करें। अगर आपके डिवाइस में इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑन है, आप वहां से चेक करें, आपके डिवाइस में जो है ये अपडेट कुछ ही दिनों के अंदर रिसीव हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स, और एक तरीका है, आप सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन में जाके राइट हैंड में टॉप में जो एक सेटिंग का सिंबल बना होता है, आप वहां से जाके चेक करें। वहां पे देखिए ट्रायल वर्जन का ऑप्शन रहता है, वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मैं बताऊंगा ये जो अपडेट है, अपडेट में आपको कौन सी सिक्योरिटी पैच आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये जो अपडेट है, अपडेट जो प्रोवाइड किया जा रहा है, इसमें जुलाई 2020 की सिक्योरिटी पैच के साथ जो है ये अपडेट प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा इस अपडेट में बहुत सारे लेटेस्ट फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे फीचर्स अगर मैं एक एक करके बताऊं तो वीडियो जो है 20 मिनट से ऊपर लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं सिंपल शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा एंड जितने भी लेटेस्ट फीचर्स हैं उसके सारे डिटेल्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके आराम से चेक कर सकते हैं। सबसे पहला जो आपको देखने को मिलेंगे, जो अपडेट आपको जो है सबसे ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे आफ्टर अपडेट, बॉर्डरलेस डिजाइन आपको देखने को मिलेंगे। ये जो बॉर्डरलेस डिजाइन है काफी गुड लुकिंग है, आप जो है आफ्टर अपडेट ये आपको सबसे पहले ध्यान में आएगा। एंड ये फीचर्स काफी अच्छा फीचर्स है, बॉर्डरलेस डिजाइंस आपको देखने को मिलेंगे। स्मार्ट साइट बार का सपोर्ट देखने को मिलेंगे एंड स्मार्ट साइट बार के रिगार्डिंग पूरे डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्क्रीनशॉट फीचर्स, जो हम स्क्रीनशॉट लेते हैं उसकी जो फीचर्स है, 3 फिंगर स्क्रीनशॉट, ऐसे तमाम लेटेस्ट फीचर्स जो आपको देखने को मिलेंगे, इसकी भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद आता है नेविगेशन जेस्चर 3.0, जो जेस्चर है, जेस्चर में आप जो है काफी सारे लेटेस्ट फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे एंड जेस्चर बेस्ड नेविगेशन बार आपको देखने को मिलेंगे एंड इसकी जो डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सिस्टम के ऊपर आपको काफी सारे लेटेस्ट अपडेटेड फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि सिस्टम वाइड डार्क मोड, स्मार्ट रिप्ले, फोकस मोड, ऐसे तमाम फीचर्स जो है सिस्टम के रिगार्डिंग जितने भी अपडेट फीचर्स है ये आपको देखने को मिलेंगे आफ्टर अपडेट। उसके बाद आता है गेम स्पेस, जो गेम स्पेस है इसमें जो है इस एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज किया गया है एंड इसमें कुछ लेटेस्ट फीचर्स भी ऐड करके दिया गया है, इसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके बाद आता है होम स्क्रीन, होम स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट आया है, जैसे कि कुछ बहुत सारे लेटेस्ट वॉलपेपर आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे लाइव वॉलपेपर जो है आपको ऐड होते हुए देखने को मिलेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे अपडेट है, लेकिन जो डेली यूजर्स में हम लेते हैं इसमें जो है आपको इंप्रूवमेंट होते हुए देखने को मिलेंगे। डिवाइस की जो सिक्योरिटी है इसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे, डिवाइस की जो सिक्योरिटी है इसे जो है इंप्रूव किया गया है, जुलाई की सिक्योरिटी पैच के साथ अपडेट प्रोवाइड किया जा रहा है, ये काफी अच्छी बात है। जो कैमरा एप्लीकेशन है, कैमरा एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज किया गया है, इसमें तमाम नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद जो फोटोज़ एप्लीकेशन है, फोटोज़ एप्लीकेशन के अंदर एल्बम आता है, फोटोज़ आता है, ये सारे ये जो एप्लीकेशन है इसको भी ऑप्टिमाइज किया गया है एंड इसमें जो है तमाम लेटेस्ट फीचर्स जो है ऐड किया गया है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल मैं बताना चाहूँगा ओप्पो R15 Pro डिवाइस के यूजर्स के लिए आपके लिए जो है गुड न्यूज निकल के आ गया है। आप अपने डिवाइस में जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑन करके रखिए, इसकी अपडेट
अपडेट जो है ओटा अपडेट के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है, आईएमई नंबर की बैच वाइज प्रोवाइड किया जा रहा है, तो सारे यूजर्स को स्टेप बाय स्टेप सबको मिलेंगे एंड आपके लिए गुड न्यूज है, आप अपने डिवाइस को अपडेट करें। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको अगर कुछ भी जानकारी लेना है, कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन है, वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर जरूर देने वाला हूँ। एंड फ्रेंड्स गिव अवे में पार्टिसिपेट करना ना भूलें, गिव अवे में जरूर पार्टिसिपेट करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, वंदे मातरम।